पश्चिम बंगाल के जोधपुर में स्पाइसजेट का एक विमान 1 मई को काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट पर लैंडिंग से पहले तूफान में बुरी तरह फंस गया। हालांकि विमान के पायलट ने इस तूफान में भी जहाज को एयरपोर्ट पर लैंडिंग कराने में सफल रहे, लेकिन विमान के हिचकोले खाने से करीब 40 यात्री घायल हो गए, जिसमें 12 की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्पाइसजेट का ये विमान मुंबई से जोधपुर के लिए उड़ान भरा था। जानकारी के मुताबिक एक यात्री को स्पाइनल इंजरी भी हुई है। बताया गया है कि इस घटना में 3 कैबिन क्रू भी घायल हुए हैं। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले की जांच होगी। डायरेक्टर HN मिश्रा इस मामले की जांच करेंगे। आपको बता दें, स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए कहा, 1 मई को स्पाइसजेट का बोइंग B737 विमान मुंबई से जोधपुर की उड़ान SG945 संचालित करने के दौरान हवाई अड्डे पर उतर रहा था, तभी उसे तेज तूफान का सामना करना पड़ा, जिसके चलते दुर्भाग्यवश कुछ यात्रियों को चोट आई। वहीं प्रवक्ता ने आगे की जानकारी देते हुए कहा कि विमान के जोधपुर में उतरने पर तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। उन्होंने कहा, स्पाइसजेट इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर खेद व्यक्त करता है और वो घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध करा रहा है। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान कई यात्री बुरी तरह से घबरा गए, सीटों के ऊपर रखा सामान नीचे गिरने से हालात और भी गंभीर बन गए। हालांकि पायलटों की सूझबूझ से यात्रियों से भरे विमान को ठीक प्रकार से तूफान से बाहर निकाला गया और लैंडिंग कराई गई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।